हेलो। हेलो शांति, हाँ, उषा आवाज वही है आपका। आवाज बहन। सब वही है पहले जैसा। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपने मुझे पहचाना? अरे हम दोनों एक दूसरे को कभी ना पहचाने, ऐसा हो सकता है क्या? आपका बराबर हम थोड़ी कर सकते हैं दीदी। आप कितना कितना क्या नहीं किया आपने, बताओ। ऐसे में आपका अलग ही रूप देखने को मिल रहा है आजकल मीडिया में। अभी तक भले आप घर पे हैं, पर बाबा ने हमेशा आपके बारे में अच्छा बोला है कि कभी तो आएंगे, आदि सो अंत होंगे। आदि में जैसे आप ट्रिब्यूनल थे, अंत में हम आपको ट्रिब्यूनल के रूप में देखने का इंतजार कर रहे हैं। जितना आप सच्चाई सफाई से रहे अंदर, उसका रिजल्ट तो निकलेगा ही ना। सबका न्याय करने के लिए आप कभी तो आएंगे करके पूरा आज के डेट में 25,000 लोग हैं इस परिवार में, सबको जी आपका इंतजार में है। ऐसे में आपने मीडिया में पता नहीं, मुझे तो लग रहा है किसी के दबाव से बोले बोले होंगे, या फिर क्या ऐसा हुआ है जो एकदम आपका रूप इतना बदल के हुए दिख रहा है। वो भी मीडिया वालों को तो पता नहीं रहता ना आपका आदि मध्य क्या है। जो अंतिम जी रूप है वही वो सच समझेंगे। पर आदि में ऐसा नहीं था ना। जितना हमने विश्वास से, निष्ठा से हमने बाबा को पहचाना, मुरली के आधार पर भगवान कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप को हमने मुरली के आधार पर ही पहचाना ना, तो जी अभी क्या फर्क आ गया? जो इतना भक्ति और अनेक धर्म गुरु आए हैं, मानती हूँ मैं, पर इसका जी मतलब हम ओरिजिनल को भूल जाएंगे क्या, या फिर कुछ गलत हो गया क्या पॉइंट्स में जो आपको ऐसे कहने के लिए मजबूर हो गए? नहीं, आप किसी ग्रुप में गए हो, उनके प्रभाव में आके बोले होंगे, तो आप सबसे दूर है ना, अलग। नहीं हम सबसे अलग है। मैं अपने माँ बाप के घर में रहती हूँ, उनके सेवा करते हुए अपने घर में हूँ। मैं किसी का दबाव बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। और बाकी रही इतना साल की पुरुषार्थ का हिसाब जो है, वो कोई भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं ना हाँ, हम। आपने जो किया वो पुरुषार्थ को तो आप सच्चा मानते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, वो सच है ना? फिर सच्चे दिल से जो पुरुषार्थ किया वो कहीं भी नहीं जाता है बोल के सबको पता है। आपने क्या, आपका याद की शक्ति भी नंबर वन था, कर्मणा सेवा में भी आप नंबर वन थे, और ज्ञान की सेवा में भी आप, भले आप तीसरी क्लास में पढ़े थे, फिर भी बोलने का और कन्विंस करने का शक्ति कितना अच्छा था। फिर सब कुछ आपने इतना निष्ठा से भगवान की शक्ति से ही तो किया है ना। हाँ जी, हम दिल से पूरा और उस समय जो मुमकिन दिल। हुआ, अभी अभी कौन से प्रभाव में आकर के ऐसा बोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग क्या अलग अलग कुछ बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। पर मुझे दुख भी हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सोल का जो अनुभव है वो हम लोगों को होता था वहां 95 में जब हम आए, और बाकी लोगों को भी हमने देखा। पर आपको अंदर रहते हुए कभी भी कोई भी विल सोल आपको नजदीक भी नहीं आ सकता था, डिस्टर्ब भी नहीं किया। पर अंदर रहते हुए हम लोगों ने, और अभी भी लोग अनुभव कर रहे हैं, ऐसे में आपको कैसे बोल रहे हैं? या फिर वो सच है, या फिर आप सच है, मुझे जानने का बहुत हो रहा था, इसलिए फोन कर दिया मैंने काफी साल के बाद भी। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने से बात तो हो रहा है। हाँ बात ये है, मम्मा को भी पता है, आपको भी पता है। उस टाइम में आप लोगों, हम सब लोग साथ में जब थे, सोल्स जिसमें आते थे वो सोल भी हमको एकदम हमारे साथ रहने के लिए बोलते थे, जिसके हाँ भगाने के लिए अंदर आपको बुलाते थे, मैंने सुना, याद है मुझे। हाँ सोल कंट्रोल का, हमारे थ्रू कंट्रोल किया जाता था। और बाबा को मैं बोली थी कि बाबा आप है भूतना, तो आप कंट्रोल करो, मेरे को क्यों बोल रहे हो? आपको बुलाते थे हाँ बाबा खुद ये सोल आ गया, भूत आ गया, आओ आके संभालो बोल के। अब भूत जो है मेरे से डरता था, हाँ
तो बहुत चिल्लाना ही हा, वो बहुत हलचल मचाते थे, मैं जाने से डरती थी सोल भी, इसलिए मेरे को बुलाते थे, मम्मा खुद अंदर भाग जाती बहुत थी हिम्मत वाले इसलिए। थे आप बोलने में भी, और पता नहीं कुछ आत्मा का भी हिसाब हो सकता है ना आपका हिम्मत। तो बाबा तो हमको ये कहा था उस समय की ओम राधा मम्मा जो पीके में है वो अव्यक्त में यहाँ एडवांस में आप में प्रवेश करके सेवा कर रही है, ऐसे कहा गया उस समय हम लोगों को। तो हम हाँ इतना प्रभावित थे आपसे कि ओम राधा मम्मा का रूप को हम आप में देखते थे, और आप भी ऐसे ही आप दिखते थे कितने सुंदर, सेम ओम राधा मम्मा की तरह आपका चेहरा और बाल भी ऐसे था, बोल चाल सेवा कहीं भी एक दाग भी नहीं था दीदी आप उस समय। ऐसे में अभी थोड़ा इतना बड़ा इल्जाम आपके ऊपर सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो करके ही वहां रहते थे, सेवा करते थे। निश्चय जो था एकदम 100% से ज्यादा ही था, कम नहीं था मतलब उस समय क्या इतनी। कारण बना जो आपको निश्चय बैठा, और हम लोग ही डगमगाते थे 98 में जब मुझे ऐसा परीक्षा आया या जो भी आया, मुझे इतना डगमगा हुआ कि सुप्रीम सोल हो ही नहीं सकते, हम इतना निष्ठा में सेवा कर रहे हैं तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाना है, लगने पर ऐसे थोड़ी पुरुषार्थ के लिए आना है, ऐसे करके दुखी हो जाती थी मैं। पर आप हिम्मत करके उसको प्रूव करके मुझे थमाने का खूब कोशिश किया, ऐसे अनुराधा को मैं को मैंने देखा आज के डेट में, मुझे मतलब वही दौराने जैसे इच्छा हो रहा है। कितने साल हो गए, नए लोगों को तो पता भी नहीं आप क्या किया क्या नहीं, कैसे एडवांस पार्टी का फाउंडेशन बने, आरंभ कैसे हुआ, इतना तक भी सुनने के लिए किसी को पता ही नहीं। जैसे बीके में कम से कम दादी दीदियों का अनुभव सुनने को मिलता है ना कि कैसा हाँ हुआ फाउंडेशन में, कैसे रहे साथ में बाबा के साथ, तो अभी तो बाबा मिल भी रहे नहीं रहे किसी को भी, अव्यक्त में सुन रहे हैं। आज के डेट में 6,000 से ऊपर हो गए कैसेट्स और वीडियोस। आप जब आए मेरे हिसाब से पहला कैसेट चलता था, वो भी वो टेप रिकॉर्ड वाला, कौन सा नंबर चलता था पता नहीं। नहीं, और हमको जाने के बाद ही टेप रिकॉर्ड का कैसेट हाँ शुरू हुआ, उससे पहले हाँ नहीं था। हाँ जब मैं आई तो 40-30 ऐसा कैसेट्स था, और उस समय तो रजिस्टर में लिखते थे ना बाबा की नंबर 1 108 मनके में आने वालों का नाम रजिस्टर में लिखा जाता था, ऐसे में आप नंबर 1 में थे। तो मैं नहीं चाहती हूँ आपके बारे में नेगेटिव फाइलें एडवांस पार्टी में, जबकि इतनी सारी आप हम में पॉजिटिविटी, इतने साल का जो तपस्या है, जो आपने तन मन धन से आपने अपना टाइम मनी एनर्जी सब कुछ पूरा परिवार समय संबंध सब नौछावर किया जिस संगठन के लिए, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें अगर अरे सच्चाई है तो आप, मुझे लगता है कि अगर भगवान है भगवान बाप में सच्चाई है तो आपका जितना भी पुरुषार्थ है वो उसका फल इसी संगम युग में यहीं पर अभी मिलना है। हाँ जी, उस टाइम इसलिए मैं में आपको फोन किया कि अगर आपको आपको आप एक बार याद कीजिए पुरानी बातों को, आप कैसे आए क्या किया आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका निर्णय अभी भी उसके बाद भी आपको लगता है कि आपने अभी जो बोला वो सही है तो मैं भी मानूंगी। पहले आप पहले पुरानी बातों को याद कीजिए, कैसे आप आए, किस आधार पर आप इस रास्ते को चुने। हाँ जी, पहले हम लोग जब गए थे तब हमको ये कहा गया था कि यहाँ साकार में मम्मा बाबा दोनों की पालना मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो ब्रह्मा का रथ तो चला गया, ब्रह्मा की सोल और मम्मा की सोल इन दोनों में मम्मा बाबा में प्रवेश हो करके अभी नई सृष्टि की संगम युग में ही संगम युग का शूटिंग चल रहा हाँ वो पॉइंट है। तो मैंने भी सुना था कि आपको हम लोगों को भी तरस था ना कि बीके में भगवान मिले नहीं साकार में ब्रह्मा बाबा, तो दुख तो हो रहा था। जैसे एडवांस पार्टी में सुनते हैं साकार में माँ बाप हैं और साथ ही खेलूंगा साथ ही पियेंगे साथ ही रहेंगे, ऐसे पॉइंट से प्रभावित होके आए वो समझ में आता है। अच्छा हाँ जी, तो साथ फिर अभी बाबा नहीं है खेलेंगे इसीलिए फिर आपको ऐसा हो गया क्या। नहीं, आदि में यही ज्ञान सुनाया गया ना, साथ चलेंगे, साथ सोएंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ रहेंगे, साथ बैठेंगे, साथ खेलेंगे, जो भी पॉइंट सुना वहाँ प्रैक्टिकल में दिखाई देता था।
क्योंकि मम्मा बाबा भी शतरंज खेलते थे, साथ खाते थे, साथ सोते थे, साथ बैठते थे, साथ मुरली सुनते थे, डायरेक्ट दृष्टि, वार्तालाप, बातचीत, चिटचाट, मजाक और ज्ञान का मनन चिंतन, लड़ाई, प्यार, सारी सब कुछ एक साथ में सब कुछ मिलता था। हाँ, छोटा परिवार सुखी परिवार भी बोलते थे, और परिवार जैसे ही बात आ रहा था, हाँ जी, हमको ये आध्यात्मिक और जो भगवान का परिवार और ऐसा वाला फीलिंग सबको आ तुम सब हाँ आप जी, हमसे भी पहले आए हैं ना वो जो पॉइंट सुना था वो एक्यूरेट वहां प्रैक्टिकल में दिखता था। हाँ बाप है, सुनते थे। बाप के मुख से डायरेक्ट जो दो महावाक्य भी सुनेंगे ना वो स्वर्ग में आएंगे। तो जो बाप के मुख से दो महावाक्य जो भी सुनेंगे वो शरीर भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरह पॉइंट्स बहुत बोला था। जो बाप से दृष्टि लेंगे, बाप के मुख से मुरली जो सुनेंगे, बाप के डायरेक्ट जो भी पुरुषार्थ करने वाले जो भी है बाप के सामने, एक नजर भी जिन्होंने देखा हो उनका पद नहीं विनाश होगा, उनका पूरा जिंदगी का जो भी संगम युग में पूरा हर प्रकार का शूटिंग यहाँ बाप का मात पिता के सामने होगा, और मात पिता कभी नैनों से उजाल नहीं होंगे। हम लोग पूछते थे वहां जैसा वो दोनों चले गए यहाँ भी ऐसा होगा क्या? फिर ऐसा होगा तो फिर यहाँ कोई नया पाठ की बात क्या है? यहाँ हाँ, नया नहीं, नवीनता पाठ क्या है, मतलब यही नवीनता था कि हमको हाँ, साकार में भगवान और माँ अंत बाप तक के रूप में। रहेंगे बाप, अंत तक रहेंगे बोल के हाँ, वायदा वीके में किया, नहीं हुआ वो बात, जो अभी एडवांसमेंट हो वो गया है, नगाड़ा में प्रैक्टिकल भी यही बाबा ने लिखवाया था उस समय। में है। हाँ, अंत तक बाप छोड़ेगा नहीं, अंत तक साथ रहेंगे, मात पिता दोनों साथ रहेंगे। तब मैं मम्मा से भी पूछी थी कि मम्मा वहां ब्रह्मा बाबा अटपेल हुए तो यहाँ भी ब्रह्मा अटपेल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आदि अंत बोलते हैं ना, इसलिए मेरे को डर लग रहा है मम्मा बोलने से। नहीं, यहाँ मम्मा भी और बाबा भी दोनों साथ रहेंगे। वहां तो विधर्मियों का पार्ट चल रहा है, यहाँ तो विधर्मियों का पार्ट, वो यहाँ उनका क्या बोलते हैं, उनका चाल नहीं चलेगा। वो लॉकी बन के सब आए हैं, बाप ऐसे भी हाँ, बोलते बाप थे, लाखन बन के आए और टीचर बन के हैं। आए हैं, तो सब कुछ सिखाएंगे हमको, एक भी हमारा पढ़ाई बाप छूटेगा नहीं। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पति भी है, ईश्वर भी है, सब कुछ एक में ही सारी दुनिया है, यही बोलते थे। और वही उसी के अनुसार वहाँ प्रैक्टिकल में दिखता था, इसलिए हमको निश्चय बुद्धि बन के हम बहुत खुशी से रहते थे। मम्मा बाबा दोनों रहते थे और हम बहने, बहुत कम बहने रहते थे। पहले अकेली मम्मा थी और बाबा थे, और कंपिल के स्टूडेंट्स जो है 10-12 लोग रहते थे, वो भी क्लास में आकर के चले जाते थे। और शाम के टाइम पर छोटा सियाराम भाई भी था, इससे छोटा सियाराम भाई ज्यादा नहीं बात करता था, वो तभी नया नया आया, हम लोग आने के बाद आया था वो। लेकिन बड़ा सियाराम भाई ज्ञान में इतना होशियार था, इतना होशियार था, वो बाप के बाद दूसरा बाप कहलाने जैसा सब लोग मानते भी थे। इसी तरह एकदम बाबा की तरह हर पॉइंट याद करता था। और सच्ची गीता, लॉकेट पॉकेट, ये सब जो लिटरेचर था, नगाड़ा आदि शाम को बैठ के पढ़ते थे, उसका क्लारिफिकेशन मम्मा बाबा दोनों ही देते थे। मम्मा बहुत अच्छा डिस्कशन करती थी, बहुत आनंद आता था। जो बोला था वो प्रैक्टिकल में, जो महावाक्य बोला था वो सब प्रैक्टिकल में हम लोग अनुभव करते थे, इसलिए सारी दुनिया को हम भूल के, वहाँ ना कोई पंखा, ना खुली खिड़कियाँ थी, ना कोई खुला जगह था, ना खुला हवा आता था, ना रोशनी आता था, कुछ एक भूत बंगला की तरह रहता था।
अभी सोचते हैं तो घबराहट होती है, कैसे रह गए उस मकान में। लेकिन उस टाइम में कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थे, इतना तक भी नहीं थे, पार्टी उनको खिलाने जितना थालियां भी नहीं रहते थे, कड़सियां बाल्टियां आदि कुछ भी नहीं रहता था, बहुत कम रहता था। तो जो पार्टियां जाती थी अगले पार्टी उनको अच्छा ये चीज कमी है बोल के दूसरी पार्टी, जब उस समय चिट्ठियां आते थे, चिट्ठियां ही लिखते थे एक दूसरे को अलर्ट करके, सारे सामान भी जुगाड़ किया था, ज्यादा सामान भी नहीं रहता था, ना चादरें रहते थे, ना तकिया रहता था, कुछ भी नहीं रहता, सुख साधनाएं कुछ भी नहीं थे। ऐसा हम सोते थे, मेरा बाल इतना घने बाल थे, मेरा बाल को ही तकिया बना के सोती थी मैं, तकिया भी नहीं रहता था। अच्छा। कोई सुख नहीं था, हाँ कुछ भी नहीं रहता था। ऐसे टाइम पर हम लोग वहाँ इतना सच्चा तपस्या किया, तो तपस्या इतना, में जो सहयोग देते हैं ना उनको कभी भूला नहीं जाता, ऐसे बाबा खुद बोलते हैं ना, तो मेरे हिसाब से क्या है, बाबा आपको नहीं भूल सकते हैं, इतना आपने जो मुश्किल टाइम में कोई भी सहयोग नहीं दिए बाबा, कोई भी कन्या एक भी नहीं दिखे, ऐसे में आप गए थे ना, बीच में आपका अनुभव ऐसा ही था क्या, मतलब आपने वहां पर भी मेहनत किया ऐसे बोलते थे आप, याद है आपको सारी बातें कि भूल गए? नहीं, बीके में भी उस टाइम में भी वहाँ कन्याएं कौन थे, एक हेमा बहन थी सेकंड इंचार्ज के रूप में, अन्नपूर्णा बहन थी, और बाकी बहने कन्याएं थी, लेकिन क्लास करके चले जाते थे, कोई भी वहाँ टिकते नहीं थे। टिकने ना टिकने के कारण क्या है, जो कन्याएं टिकने के लिए आते थे उनको इतना काम रहता था, सेवा बहुत अति का होने के कारण चले जाते थे, सहन नहीं कर पाते थे। लेकिन हम सच्चे दिल से भगवान आ गया इस सृष्टि पर, उनकी सेवा में हम पूरा हर श्वास तन मन धन समय संबंध संपर्क सब कुछ निछावर करना है भगवान के लिए, हम पूरा फिदा होना है प्रैक्टिकल में। तो इसी धारणा से इसी विश्वास से हमको मेहनत भी इतना कभी नहीं सोचा था, ये मेहनत है, सेवा है, ये मेरा भाग्य है, जो किसी को नहीं मिला वो मेरे को मिला बोल के बहुत खुशी से करती थी। 3 बजे हम 3 बजे तक ऊपर मैं नहाना धोना, और उस समय में डाबा गार्डन बोल के विशाखपट्टनम में मेरा बेसिक का ट्रेनिंग हुआ, तो बेसिक में जब चली थी वहाँ बड़ी बहनों के साथ रहती थी, और हैंडपंप चला के सुबह अमृत वेला उठ के हैंडपंप खुद ही चलाना है, और पीतल का तांबे का बहुत मोटा मोटा बड़ा बड़ा घगरा बोलते है ना, वो कितना वजन बहुत रहता है, 40-50 मटके पेतल का मटके होते है ना, पेतल का घगरा से मैं हैंडपंप चलाना है, और भर भर के मटकों में, और वहाँ वो होदी रहता है ना, वो कुंडी में डालते थे ऊपर, 2 मंजिल चढ़ के जाना, टैंक वगैरह नहीं था ना अभी की तरह ऊपर चढ़ा, ये नल आदि नहीं था, तो भर के ही लेके 2-3 बाथरूम में रहता था, वो स्टोर करने के लिए रहता है ना टैंक, अंदर भी रहता उसमें, है उसमें डालते थे। तो हम 4 बजे तक, 2 बजे उठ जाते थे, 4 बजे तक वो पूरा भरते, मेहनत भगवान के पीछे। फिर उसके बाद झाड़ू पोंछा बर्तन, क्लास के टाइम तक सांस लेने के लिए नहीं मिलता था हमको, इतना दिल से सेवा किया, इसलिए भगवान के लिए ना, भगवान जब आया है सुनते हैं तो ऐसा इतना सेवा, या फिर भूल जाते हैं,
ऐसे ही बोला जाता है ना क्लासों में, हर क्लासेस में बहने यही समझाया जाता है सेवा सेवा बोल के, जो जितना सेवा करते हैं वो इतना मेवा खाते हैं। तो पहले पार्टी में हमको जब अन्नपूर्णा बहन लेके गई ना, मैं पूरा मेरा माँ बाप भाई बहन हम पांचों मिलके गए थे माउंट आबू। उस टाइम में हमको अन्नपूर्णा माँ बाप से परमिशन लेके ही सेवा का, बच्चों से सेवा लेते थे क्या बीके में? बीके में तो वहाँ तो अव्यक्त बाप दादा मिलते थे ना, तो जो बहने जैसे सेंटर इंचार्ज रहते हैं उस हिसाब से हर सेंटर चला। लौकिक माँ बाप का परमिशन होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं रहता? हाँ रूल फॉलो करने वाले करते हैं, लेकिन जो भोले माँ बाप है इनसे कुछ हानि नहीं होगा बोल के डरते नहीं है। जो ज्यादा होशियार माँ बाप होते हैं उनके लिए कानून के अनुसार रखते थे, वो बात अलग है। लेकिन जब हम पार्टी को साथ में हम लेके गए 87 में, बाप दादा उस समय में 86-87 में नहीं मिले थे बहुत पार्टियों से, उस टाइम में नहीं मिले थे। लेकिन मुश्किल से उस समय में बाप दादा आए थे, लेकिन सब लोगों को मना किया, अचानक बुलाया था हमारे पार्टी को। तब ये अन्नपूर्णा बहन बोली थी कि बाप दादा से जब हम सभी लोग मिलने के लिए गए, तब बोले बाबा ये बहुत सेवा करती है, एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करती बाबा, ऐसा हमारा परिचय बाप दादा को दिया माउंट आबू में। तब बाबा बहुत खुश होते हुए बहुत अच्छा दृष्टि, तीक्ष्ण दृष्टि से हमको दृष्टि दिया था बाप दादा गुलजार दादी के थ्रू माउंट आबू में बहुत तीक्ष्ण दृष्टि दिया। ऐसे देखते दृष्टि देते देते रह गए, हमको लड्डू भी दिया और बोला अथक सेवादारी। उस समय में सभी को वरदान देते थे, सभी बच्चों को वरदान देते थे बाप दादा गुलजार दादी के थ्रू, तो सभी लोग उस समय में नोट भी लिखते थे मेरे को बाप दादा ने ये वरदान दिया बोल के। तो हमको अथक सेवादारी बोल के हमको बाप दादा ने वरदान दिया, और कम से कम मेरे से 15 मिनट कम से कम 15-20 मिनट तक बात किया। अच्छा ऐसे बात किया था 87 में, और बोला कि माया आएगी हिलोगी डरोगी, हिलोगी तो नहीं डरोगी, नहीं डरना नहीं हिलना, माया आएगी बहुत मारेगी, डरना नहीं हिलना नहीं, कभी बाप को छोड़ना नहीं, ऐसे घबराना नहीं, बहुत ललकार किया था। अभी मेरे को ठीक से पूरा याद नहीं है, उस टाइम के लोग स्टूडेंट्स थे मेरे से जो बात किया वो सारा पॉइंट्स लिखे थे, मेरा भाई भी लिखा था, सब लोग बहुत आश्चर्य हो गए। टीचरों से भी नहीं मिले थे, लेकिन अचानक हमारे पार्टी को बुलाया गया, और कुछ लोग उस टाइम में बहुत कम लोगों को बुलाया गया। तो उस समय में हमको बहुत जबरदस्त ललकारा, लेकिन जब एडवांस 88 लास्ट में हमको एडवांस मिला था, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ जो भी वरदान है ना वो खाली नहीं जाता है। मुरली में जो बताया वो पत्थर का लकीर है ऐसे बोला है, अगर वो बात सच है तो बाबा ने आपको जो वरदान दिया है ना, आप धर्मराज के बुजा हो, धर्मराज के भाई हैं, तो बाबा के आपके साथ साथ आपको भाई समझ के आपको जो जो वरदान दिया है वो अभी अंतिम समय में वो सब सच होगा अगर ये ज्ञान सच है तो। इसलिए मैं आपको कष्ट दे रही हूँ, आपको टाइम है ना आपके पास बताने के लिए, आपको पुरानी बातें। हाँ जी अभी पुरानी बातें सारे याद करना है तो 1-2 घंटा 1-2 दिन में खत्म होने वाली बात नहीं है ना। कोई बात नहीं, आपको मुझे आपको वो पुरानी वाली बातों से मुझे आपको पहचानना है दोबारा। हाँ जी हाँ जी
ठीक है फिर, क्योंकि ये मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, आप जानते हैं कि आप उनके नजदीक थे, हमने तो सुना नहीं देखा नहीं, अभी ये मीडिया में ऐसे बोल दिया, और बहन जी भी बोल रही थी हमने पहचाना नहीं, पर ऐसे कैसे बोल सकते, इतना नजदीक थे ना। मैंने कहा आपको क्या पता नजदीक थे तो कितना क्या किया क्या नहीं, आज जो भी आप रह रहे हैं कर रहे हैं उनकी तो मेहनत है ना, आपकी तो मेहनत से हम लोग आए, आपको देख के ही आए ना, कि बहुत सारे लोग वरना आते क्या, कहीं पर भी विश्वास भी नहीं होता है ना, इतना संगठन को आपने खड़ा किया, पहले पहले पार्टियों को मुझे याद है फर्स्ट बस आपने बनाया, कोई भी बस में पूरा नहीं आए, इसलिए मैंने कहा आपसे मिलवाऊंगी आप बात करो, तो कह रहे थे नहीं हमको डर लग रहा है, मैंने कहा इससे डरने की क्या बात है, मैं आपको मैं खुद बात करके आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ भी इतना एकदम परिवर्तन नहीं हो सकता। जब विशाख भटनागर का बस भर के गया ना तो मम्मा बाबा इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, अरे तुमको इतना ज्ञान सुनाना आ गया, जो इतना पढ़े लिखे लोग विशाखपट्टनम के लोग, कमला बेन इतना ज्ञान सुनाया, वो लोग आने के लिए तैयार थे वो नहीं आए, लेकिन जो नहीं आए उनको तुम लेके आ गए, कैसे ज्ञान सुनाए बोल के वो दोनों मम्मा बाबा दोनों बहुत खुश हो के पूछा, तो मैं सारा अनुभव सच्चा दिल का आवाज से ये लोग प्रभावित हुए, क्योंकि जब मैं बीके में थी कैसे पुरुषार्थ किया वो लोग देखा, तो वो गंगा बेन की पिताजी ने हमको एक संगठन में आके बोला था, हम वहाँ पोलवारम बोल के सीता वहाँ धर्मवारम पोलवारम के नजदीक में धर्मवारम है, वहाँ संगठन में मेरे को बुलाया गया, जब घर में साल में एक बार बाबा मेरे को घर भेजते थे, क्योंकि घर में सभी ज्ञान में है और बाप का प्रतीक्षिता करना है, तो बाहर जाके पार्टी उनको बना के लेके आएंगे तभी बाप का प्रतिष्ठा होगी, तुम्हारे घर में सारे ज्ञान में है बोल के तुम घर जाओ और पार्टी बना के लेके आओ, इसलिए हमको घर भेज देते। इस हिसाब से घर आई, तब जब भी मैं घर आती थी तो सेवा करती थी, वहाँ संगठन हम ही बनाते थे, तो उस संगठन में ये गंगा बेन की पिताजी आए थे, आकर के बोला अनुराधा दीदी आप बचपन से विशाखपट्टनम में बीके में बहुत अच्छा धारणा मूर्ति का हमारा सबके मन में ये बहुत रेस्पेक्ट है, एडवांस ज्ञान जो है कमला बेन आकर के बहुत अच्छा सुनी सुनाई, उनका तो पूरा कंप्यूटर का बुद्धि है, ढेर सारे पॉइंट्स सब प्रूफ दिखाने के बाद भी कोई भी नहीं आए, लेकिन मेरा विश्वास है आप आएंगे तो सब लोग आएंगे, क्योंकि आपके प्रति बहुत अच्छा श्रद्धा भावना है, इसलिए हमारे हम सब के अंकों में आप पुरुषार्थ कैसे किया, कितना धारणा मूर्ति बन के रहे, इसलिए उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप आके सुनाएंगे तो जरूर सब लोग आएंगे बोला। उन्होंने जैसा विश्वास किया वैसा ही गंगा बहन सहित पार्टी को हमारे साथ बहुत बड़ा पार्टी गई, एक बस भर के हम गए तो बाबा भी बहुत खुश हो गए थे, तो उस तरह बहुत पार्टियां आना शुरू हो गया, पहले तो ज्यादा कोई नहीं थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन हम बीके में टीचर इंचार्ज बन के रहने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा फॉलोअर्स थे, तो जब मैं ज्ञान को स्वीकार किया तब सभी लोग हमारा फॉलो किया था। तो है उसके अलावा मुझे क्या ज्यादा मेरे मन को प्रभावित करता है, जो पूरा एडवांस पार्टी में जब आपको आना था बीके से, तो उस साल अव्यक्त बाप दादा को बुद्ध को इतना मेहनत करना पड़ा, ऐसे बाबा ने कोर्स में भी बताया एडवांस पार्टी में सेवा के लिए, कि एक साल पूरा वो अव्यक्त बाप दादा मिलन के लिए नहीं आए बीके में, आप बहुत इम्पोर्टेंट आत्मा है, आप साधारण आत्मा नहीं हो, जो स्वयं ब्रह्मा बाबा को मेहनत करना पड़ा आपको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि एक भी कन्या वहां पर सरेंडर नहीं हुआ ना एडवांस पार्टी में तब तक,
हाँ जी, कर कोई भी सरेंडर नहीं हुई है, हम जाने की को बाबा डायरेक्ट सेवा करने जितना आप श्रेष्ठ आत्मा है हाँ बाबा उस टाइम में मुरली में बोला था, वो कैसेटे भी पता नहीं अब क्या हुआ, वो कैसेटे हमको पता नहीं, वो माउंट आबू का ब्रह्मा हमने सुना है उस समय भी कोर्स में हम बताते थे सब हाँ उनको हम खुद बोलते थे उस साल नहीं आए ब्रह्मा बाबा वहां क्योंकि उनको यहाँ एडवांस ये पार्टी में पूरा मेहनत लगाना था हाँ वो बात सच है, इसलिए 89 को बोलते हैं ना तेरा नौकरी हाँ जी, तो समय में बाबा ने अनाउंस कर दिया, फिर माउंट आबू में बाबा जाएगा ही नहीं, 87 में 1 साल नहीं गए ना, तो पूरा कभी नहीं जाएंगे बोला था। हम लोग पूरा विश्वास करके, मेरा भाई इंचार्ज बहने जो है बीके का, बड़ी बहने, उनको फोन करके वो बोल दिया अभी बाप दादा माउंट आबू में बिल्कुल नहीं आएंगे, अभी एडवांस में ही बाप दादा यहाँ विराजमान है, दीदी आप भी यहाँ आ जाओ, ऐसे हम लोग बड़ी बहनों को ललकारा, चैलेंज किया। फिर अगले साल बाप दादा वहाँ आ गए और कितने साल तक चलते रहे अवेकवानिया, हाँ तभी ये हमारा बेइज्जती कर दिया था बीके वालों ने, देखो 1 साल नहीं आए तो अब कभी नहीं आएंगे बोला तुम्हारा बाबा, और अब देखो हमारा बाप दादा हमारे ही साथ है, तो जब हम बाबा से पूछा तो बाबा अब कभी नहीं जाएंगे, बाप दादा यही रहेंगे, यही पाठ शुरू हो गया, यहाँ नए दुनिया का कार्य शुरू हो गया, नया संगठन बन रहा है, और नेपाल माना, नेपाल का अर्थ उस समय में अव्यक्तवाणियों में भी नेपाल माना नई पालना बोल के, बहुत कुछ पॉइंट्स था उस टाइम में, अभी हमको ठीक से याद नहीं है, तो वो सारी बात यहाँ के लिए बोला गया है, अभी नया पालना यहाँ शुरू हो गया है, वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे बोला, आपकी बात से हम सबको चैलेंज कर दो बोल दिया, हमको बोल दिया, तो फिर अभी बाप दादा आ गए तो वो हमको इंसल्ट कर रहे हैं, हम पूछा था तब बाबा ने बोला नहीं बाप तो ब्रह्मा तो बच्चा है ना, बच्चों को, बच्चों से माँ को बच्चा बहुत बुद्धि ऐसे मोह बोलते रहता है, हैं मोह रहता है, वो मोह के कारण वो फिर चले गए, अब क्या करेंगे, इस तरह क्लैरिकेशन दिया। हाँ लेकिन हम बाप माना, इसलिए हाँ बोले तो भी ना बोले तो भी हम विश्वास करते आए, लेकिन वहां तो हमारा इंसल्ट तो हो गया, तुम्हारा बाप रंग है वो लोग उतय कर दिया था, तुम कौन बीके वालों ने? लोग बीके वालों ने, अच्छा, मतलब अगर भाई हम लोग तुमने तो ज्ञान के आधार पर निश्चय बिठाए ना, अभी निश्चय पत्र में भी यही लिखवाया कि मुरली और अव्यक्तवाणी के गहन अध्ययन से ही हमको ये ज्ञान आधार पर हमने इनको भगवान जगदाम्बा जगत पिता स्वीकारा है। हाँ निश्चय बुद्धि में निश्चय पत्र और समर्पित पत्र भी लिखवाते थे कि हमको मुरलियाँ अव्यक्तवाणियों के आधार से जो अध्ययन किया है, हम आजन्म ब्रह्मचारी बन के हम रहेंगे और बाप के ही बन के रहेंगे, बाप हमारा बाप भी है पिता भी है, मात पिता गुरु सखा पति सब कुछ है, ये तुम लोग लिखना है बोल के लिखवाते हम थे। इसीलिए लिखवाते थे कि बाद में मुकर जाएंगे भूल जाएंगे, ऐसे बाबा ने बोला है ना, खून में लिखा हुआ निश्चय पत्र भी अब बच्चे तोड़ फाड़ देते हैं, बाबा को रोना आता है, इसीलिए मैं आपको सारा याद दिला रही हूँ। मतलब कौन सा मुरली के अध्ययन से आपने भगवान, क्योंकि अभी इतना कंपटीशन आया ना दुनिया में, लौकिक वाले भी प्रश्न पूछ रहे हैं और मुखाग्रता भी आए हैं, सब प्रश्न पूछेंगे ना, हम लोगों को शास्त्रों के आधार पर भी समझाना है, एक लेकिन आधार पर ही नहीं तो। में शास्त्र को मानते ही नहीं है ना, यहाँ जहाँ बाप की बात आती है तो वहाँ शास्त्र की बात मानते हैं, फायदा की बात आता है तो, अगर जहाँ लागू करने वाली बात वहाँ है ही नहीं नहीं उस तो समय वो आपको तो विश्वास था ना, आपने उस समय शास्त्र नहीं देखना तो नहीं देखा आपने श्रीमत के आधार पर कि उसमें। तो बचपन में ज्ञान में आ गई, तो ना शास्त्र पता है ना उपनिषद पता है, कुछ भी तो पता नहीं है ना, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम भगवान को कितना प्यार करते हैं,
करते थे वो मैं बचपन से ही भगवान से बहुत प्यार था, भले हम पढ़े लिखे नहीं है, भगवान को हम देखना चाहते थे, उनकी सेवा करना चाहते थे बचपन से, पूरा 5-6 साल से ऐसा। हाँ, मेरे को जब तक बुद्धि सोचने का आया तब से मैं भगवान के लिए बहुत तड़पती थी। उसका पूरा कहानी फिर मैं आपको कल परसों बताऊंगी, बहुत लंबा फोन किया, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना आपको पहले वाली दीदी की तरह देखना चाहती हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, अच्छी बात है ना। एक बार क्लैरिफिकेशन चाहिए ना, जिनके आधार पर हमने आपको ये सारा मेन एक रोल मॉडल की तरह देखा हमने आपको। हाँ जी, इसीलिए हम वो हमारा या तो फिर हमारा सपना जो सोच जो तो सभी लोग हमको बोलते थे हम आपको देखने के बाद हमको निश्चय हुआ, हम तो ऐसे ही देखने के लिए आए, भट्टी क्या होता है, जो भी आते थे भट्टी करते थे ना, तो हम सिर्फ देखने के लिए आए, लेकिन पूरा हमको निश्चय नहीं था, लेकिन अभी आपसे मिलने के बाद हमको निश्चय हो रहा बोल के बहुत लोग बोलते थे। हाँ, बात भी सही है ना, आपने अकेले, हम लोग जुड़े थे पर इतना सेवा नहीं कर पाते थे जितना आप, आपने चमत्कार भी दिखाए, 1,000 का संगठन इकट्ठा किया कम समय में, गंगा सागर मेला करके, ऐसा बाबा ने उस समय बोला कि आपकी तरफ कोई भी नहीं कर सकते, पूरा आप एक तरफ हम सभी एक तरफ थे, हम सभी जा करके भी इतना सेवा नहीं कर सकते थे जितना आप अकेले करके दिखाए, वो सब भी तो वेस्ट नहीं जाना है, बस यही चाहती हूँ मैं। ठीक है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, शास्त्र नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मेरा तमन्ना भगवान के लिए कैसे तड़पन था वो फिर कल बताऊंगी। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू, आपने टाइम दिया, मुझे खुशी हुई आपने थोड़ा बहुत बात किया मेरे साथ। मेरे भी पुरानी फ्रेंड को मिली तो बहुत अच्छा लग रहा। हाँ, आपका सपोर्ट मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ, सबने मुझे एक तरफा किया, आपने मुझे पहचाना और सही सही आपने सहयोग भी दिया और किसी ने नहीं दिया, सुनी सुनाई बातों में सब आ जाते हैं ना सच्चाई का, तुम आपने अंदर से पहचाना तो वो मैं याद करती हूँ, आपका जो परखने की शक्ति है वो गलत नहीं हो सकता है, बाकी सब सुनी सुनाई बातों में आ सकते हैं पर आप नहीं, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए, लोगों की हिसाब से तो था लेकिन भगवान को चुनने के लिए मेरे गलत हो गए। आपको बहुत साल से कोशिश कर रही थी कांटेक्ट करने का, मैंने सूर्य प्रभा बहन का नंबर मिला था मुझे, उनको फोन किया तो मैंने बोला कि देखिए जब मैं निकली आपको नहीं समझ में आया, अभी अनुराधा बहन भी निकल गई तो एकदम उन्होंने बोला देखो अनुराधा बहन को मत देखना, वो तो कभी भी वापस आएंगी फिर खड़ी हो जाएगी आदि सो अंत, उनकी पावर ऐसा है, उनका पुरुषार्थ ऐसा है, आप उनको उनकी पुरुषार्थ के बराबर कर सकते हो क्या, ऐसे बोल रहे हैं, पर सबको नहीं पता ना कि आप पुरुषार्थ क्या हुआ क्या नहीं, सब लोग अभी नए नए लोग आए हैं, शैलजा बहन उनको तो पता नहीं, उनको एकदम अलग ही सोच रहे थे, तो उनको भी परिचय देना करके मैंने उनको बोला कि बात कराऊंगी आपसे, पर वो मना कर रही थी तो मैंने कहा कि मैं ही बात कर लेती हूँ आपसे। ठीक है दीदी, आप रेस्ट लेना, फिर करते हैं कभी, आप फ्री हो तब बता देना, बात करेंगे। थैंक यू।